आज उड़द की दाल मैं बनाई हूँ, और ये काली दाल भी बोलते हैं, और इसका कलर बहुत काला सा ही रहता है बनाने के बाद भी। तो बस मेरे तरीके से बनाओगे, एक तरीके बताऊंगी जिससे कलर भी दाल का बहुत अच्छा रहेगा और बहुत स्वादिष्ट भी बनेगी। बच्चे नहीं खाते काला कलर देख के, तो ज़रूर से खाएंगे। और मैं थोड़ी अलग तरीके से बना रही, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने कुकर में 2 चम्मच तेल डाल लिया है गर्म होने के बाद, 1 चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्ची, और इसमें लहसुन 3-4 लहसुन डाल दिया है मोटा मोटा काट के, क्योंकि दाल के साथ ये पक जाएगा। 10 से 12 कड़ी पत्ता डाल दिया, और इनको थोड़ा सा भुनने देते हैं। और 2 पिंच मैंने हींग डाल दिया, हींग से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अदरक ग्रेट किया हुआ, आप अदरक का पेस्ट भी ले सकते हो। तो इसको थोड़ा सा आधा मिनट भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे कि मसाला जल जाए। और एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, उसको बारीक काट लिया है, इसको भी थोड़ा सा भून लेते हैं, और थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भूनेंगे, बहुत ज़्यादा एकदम नहीं डार्क करना है। तो हल्का सा इसको चलाते हुए भून लेते हैं, और मीडियम मेरी फ्लेम है अभी, हाई नहीं है। और इसमें कुछ मसाले, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर मैं डाल दे रही तीखा वाला, और इसको भी मिक्स कर देते, क्योंकि हरी मिर्ची हमने डाला है। तो थोड़ा सा ये लाल मिर्ची पाउडर कम डालिएगा, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो और 1 बड़े साइज़ का मैंने टमाटर काट के डाला है, तो इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच नमक, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हो, या अंदाज़ा नहीं तो अभी कम डाल दिए, बाद में जब बन जाए दाल तो आप चेक कर सकते हो कम ज़्यादा क्या है नमक, तो आप उस हिसाब से डाल सकते हो। तो मैंने 1 चम्मच डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, जिसमें टमाटर प्याज जल्दी से गल जाएगा, और इसको गलने तक छोड़ देते हैं। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को। और आप देख सकते हो टमाटर काफ़ी गल चुका है, और ये पूरा मसाला अच्छे से भून चुका है, बिल्कुल भी इसमें कच्चापन नहीं है। अब मैं ली हूँ उड़द की दाल, 1 कटोरी मैंने लिया है, आप अपने परिवार के हिसाब से ले सकते हो, वजन में 100 से 125 ग्राम है। और इसको मैंने क्या किया था, गर्म पानी में थोड़ा कुनकुना पानी में 1 घंटा भिगा रखा था। तो 1 घंटा भिगाने से क्या होता है, इसका जो कालापन है वो कम हो जाता है, पानी में निकल जाता है। फिर उसके बाद अच्छे से 3-4 बार धुल के फिर भिगाया था, तो आप भी ज़रूर करिएगा इस तरह से। और 1 चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया है, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये फूली हुई दाल है, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो बस इसमें कलर का ही फर्क पड़ जाता है, कि इसका काला कलर भिगाने से छूट जाता है दाल का काफ़ी, और ये पक भी थोड़ा जल्दी जाती है। तो फूली हुई दाल है, और छिलका मैंने बिल्कुल भी नहीं निकाला है। और इसमें पानी डाल देते हैं दाल मिक्स करने के बाद, तो जितनी मैंने दाल लिया है उससे 5 से 6 गुना आप पानी डाल सकते हो। तो मैंने 5 गुना ये पानी डाल दिया है, और इसको क्या करेंगे, एक अच्छी सी बॉईल आने के लिए छोड़ देंगे। तो इसको पहले मिक्स कर देते हैं, और आप फ्रेंड्स छिलका के साथ ज़रूर यूज करिएगा, ये बहुत अच्छी दाल लगती है खाने में, और इसका कलर भी बहुत बढ़िया जाता है अगर मेरे तरीके से बनाओगे तो। तो देखिए, इसमें अच्छी सी बॉईल आ चुकी है। अब क्या करेंगे, हम इसमें प्रेशर कुकर में अब ढक्कन लगाएंगे। पहले ही हमने अच्छे से इसमें मसाले सब कुछ डाल दिया, इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया से दाल में आ जाएगा। तो ढक्कन मैं बंद कर देती हूँ अभी, और ढक्कन बंद करने के बाद इसमें 4 से 5 विसिल लगाना है, बिल्कुल लो फ्लेम में लगाइएगा। बहुत अच्छे से पक जाती है दाल, और बहुत इसका अच्छा टेस्ट आ जाता है जब अच्छे से पकती है। तो इसका जब प्रेशर निकल गया है तभी मैंने ढक्कन खोला है दाल, लेकिन हालांकि गर्म ही है अभी, ठंडी नहीं हो पाई है, बस प्रेशर निकलने तक मैंने किया था। और फिर आप देखिए, ये दाल अच्छे से पक चुकी है, आप ऐसे उठा के हाथ में मसलोगे ना तो एकदम बिल्कुल घुलने जैसे पक चुकी है। बस हमें इसी तरह से चाहिए, और ये बिल्कुल बढ़िया से पक चुकी है। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा दाल और पानी अलग अलग दिख रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, जो दाल घुटनी होती है, मथनी, जो भी आप बोलते हो, तो इससे हम घोट लेंगे, या कलछरी से भी आप थोड़ा सा घोट सकते हो। तो मैं इसको घुमाते हुए, बढ़िया थोड़ा सा ही घोटना है, और ये एकदम घुल जाएगी दाल बढ़िया से, तो इसमें गाढ़ापन आ जाएगा, और ये तभी टेस्टी लगेगी। ऐसे पानी अलग दाल अलग में तो नहीं लगेगा, तो घोटना इसको बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, इसमें भी अच्छे से बॉईल आ गई। इधर आकर आपको लगता है दाल गाढ़ी है, तो गर्म पानी डालिएगा, ठंडा मत डालिएगा। आप अपने गाढ़ा पतली दाल जैसे आप पसंद करते हो उस हिसाब से बना सकते हो। और एक तड़का पैन लेके उसमें 1 चम्मच घी का तड़का लगाऊंगी, और लहसुन बहुत सारी डालेगी, लहसुन का तड़का बहुत अच्छा लगता है इस दाल में। और 2 हरी मिर्ची 2 लाल मिर्च ले लिया है, और इससे को हम तड़का लगाएंगे, जिससे बहुत अच्छा दाल का फ्लेवर आ जाएगा। फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और ये कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, इससे दाल का कलर और निखर के आएगा, कि काला कलर जो दाल का है वो बहुत कम हो जाता है अगर इस तरीके से आप बनाओगे तो। और
मतलब बहुत टेस्टी लगती है, तो इसीलिए कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। और इस तड़का हम डाल देते हैं इसमें, और इस तड़के को डालने के बाद तुरंत आप ढक्कन जरूर लगाइए क्योंकि इसका फ्लेवर फिर अंदर ही रहेगा। थोड़ा सा 2 से 3 मिनट ढक के छोड़ देना, उससे पहले मत खोलना, जिससे अच्छा टेस्ट आ जाता है इसका। तो मैं इसको ढक देती हूँ 2 से 3 मिनट, और 2 से 3 मिनट के बाद तुरंत ये परोसने के लिए बिल्कुल रेडी है फ्रेंड। बहुत टेस्टी लगती है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप ट्राई करते हैं तो ज़रूर मेरे को कमेंट्स में बताइएगा कि हाँ मेरे तरीके से आपने ये दाल बनाई तो आपकी कैसी बनी। और कलर्स तो बिल्कुल लाजवाब इसका होता है मेरे तरीके से। ज़रूर 1 घंटा भिगा के धुल, पहले धुल के फिर भिगाना, जिससे इसका कलर बहुत बढ़िया रहता है। और काला पानी जो हो जाता है दाल का वो निकाल के ज़रूर फेंक देना। उसको यूज कर सकते हो लेकिन उसमें कलर थोड़ा दाल का अलग रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए हर हर महादेव।